नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां बिजली विभाग की घोर लापरवाही से अंधेरे में डूबा गांव, ट्रांसफार्मर और खंभा क्षतिग्रस्त होने के मामले में जी नियत्रौला थाने में दिया नामजद तहरीर। दर्जनों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे थाने। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के पेड़रा गांव में बीते 24 जून को बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी जानकारी स्थानीय बिजली विभाग के जेई को हुई। जेई ने अतरुला थाने पर नामजद एक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर दिया है। जेई ने आरोप लगाया है कि ट्रैक्टर चालक की वजह से खंभा गिर कर टूट गया है और उस पर लगा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान के नेतृत्व में बुधवार को दर्जनों की संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचकर तहरीर देकर आरोप लगाए हैं कि सांड के हमले में बिजली का खम्भा का HT तार टूट जाने से दो खम्भे तथा जिस पर लगा ट्रांसफार्मर गिर गया है, जिसकी वजह से पूरे गांव में अंधेरा छा गया है। वहीं इसकी किसी ने गलत सूचना जेई बुढ़नपुर को दे दी है और जेई ने बिना जाँच पड़ताल के ही स्थानीय थाने में गाँव के एक ट्रैक्टर चालक बाबूलाल प्रजापति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज बुधवार को दर्जनों की संख्या में अतरौलिया थाने पर पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रार्थना पत्र भी दिया। आरोप लगाया है कि गांव के लगभग 50 घरों में 24 जून से अंधेरा छाया हुआ है, लोगों को बिजली पानी की समस्या हो रही है। बगल ही स्थित गौशाला में बिजली ना पहुंचने से पशुओं के मरने की भी संभावना है, क्योंकि पानी की किल्लत से गौशाला में बंधे पशुओं की जान भी जा सकती है। ग्राम प्रधान बलराम यादव ने बताया कि यह विद्युत विभाग की घोर लापरवाही है। गांव में 4 दिनों से अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन विद्युत विभाग की मनमानी से गाँव में ना तो अभी तक खंभे और ना ही ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। जेई द्वारा यह कहा जाता है कि अब किसी से वसूल कर तब लगाया जाएगा, जबकि बगल ही गौशाला में कई जानवर मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। पानी की किल्लत की वजह से गाय मर सकती हैं, हाथ से कोई कितना पशुओं को पानी पिलाएगा। हालांकि यह बहुत गंभीर मामला है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह दावे किए जाते हैं कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया हो, गांव में लगभग 18 घंटे बिजली दी जाए। ऐसी भी इस तरह के ग्रामीणों के आरोप विद्युत विभाग पर एक बड़ा सवाल पैदा करते हैं। इस मामले में जब बुढ़नपुर SDO से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, किंतु SDO बुढ़नपुर ने फ़ोन नहीं उठाया। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से बिजली के खंभे गिरने से गांव में अंधेरा रहेगा, या उसकी भरपाई गांव के किसी व्यक्ति से की जाएगी? क्या इसकी भरपाई किए बिना गांव में ही विद्युत बहाल नहीं हो सकता? और अगर इस तरह से होता है तो गांव में कितने दिनों में बिजली पहुंचेगी? इस संदर्भ में XEN राजवीर सिंह ने कहा कि इस विषय में SDO से बात कर मामले को देखा जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान बलराम यादव ने और ग्रामवासियों ने, आप सुनिए। प्रधान जी, आज दर्जनों की संख्या में आप यहाँ पे आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं इसके बारे में? देखिए, मैं ग्राम पंचायत पेड़रा का नवनिर्वाचित प्रधान हूँ। आज कल 24 तारीख को हमारे गांव में एक बिजली का पोल गिर गया, दो बिजली का पोल गिर गया, उस पर दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ गिर गया। वहां पर दो सांड आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से एक बाउंड्री वाल टूट गई। बाउंड्री वाल टूटकर एक पोल के स्टे रॉड पर गिर गई, जिससे पूरा तार कंपन होने लगा, पूरे तार में कंपन होने लगा और ट्रांसफार्मर जमीन पर धराशायी हो गया। दो पोल टूट गए, जिसकी गलत सूचना क्षेत्रीय जेई ने अतरौलिया थाने में एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ दी है कि उनके ट्रैक्टर से वो तार टूट गया, जिसकी क्षति हो गई, जिससे उनके विभाग की क्षति हो गई, जो सरासर गलत है। बगल में जनता पांडे जी हैं, इनके घर रामायण हो रहा था, वो जहाँ टूटा पोल वहीं से 25-30 मीटर पर। जितने लोग हैं यहाँ उपस्थित, गाँव के आप देख रहे हैं, कम से कम 20-25 लोग होंगे, सब लोग वहाँ हर कीर्तन रामायण गा रहे थे और करंट की वजह से उसमें लाइट आ गई, तार में कंपन होने लगी, तो सब लोग दौड़ के वहाँ आ गए तो देखा कि ट्रैक्टर वहां से 5 लाठा दूरी पर खड़ा था। तो किसी ने जो है कि जेई साहब को बताया कि यहाँ तार टूट गया, तो जेई साहब कुछ पाए हुए नहीं, तो उन्होंने कहा कि तत्काल किसी के नाम पे हम कंप्लेन कर देंगे, तो वो विभाग को पैसा देगा, तब जाके वहाँ बिजली विभाग पुनः जाके खम्भा लगाएगा और ट्रांसफार्मर लगाएगा। जेई साहब से अभी हमने बात की थाने पर, मैं जेई साहब से बात किया, तो पहले तो SDO साहब से बात की। SDO साहब ने कहा कि किसी के वो ट्रैक्टर से टूट गया, जब वो ट्रैक्टर वाला देगा पैसा तब लगेगा। फिर हमने जेई साहब से बात की, जेई साहब कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए आपको जहां भी जाना हो, अब वो गांव अंधेरे में तब तक रहेगा जब तक उसका हम भरपाई किसी से नहीं कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक ले
गांव वाले उसका पैसा नहीं दे देंगे तब तक क्या बिजली विभाग उस पोल को नहीं लगवाएगा? हम इसकी जानकारी जानना चाह रहे हैं। और फिर किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को काहे लिए जे हिसाब जबरदस्ती यहाँ थाने पर एफआईआर दर्ज करवा दिए? अगर पूरा कितने केवी का ट्रांसफार्मर है? 25 केवी, 16 केवी, एक 16 केवी गिरा, एक 25 केवी गिरा। और कितने लोग को घर पे कनेक्शन जाता है? कम से कम 50 घर, 50 घर है। क्या कह रहे हैं जेईओ बिजली विभाग? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब तक उसकी हम भरपाई नहीं कर लेंगे, किसी व्यक्ति से वसूल नहीं लेंगे, तब तक हम लगवाएंगे कहाँ से? तब तक गाँव अंधेरे में, तब तक गाँव अंधेरे में रहेगा। साफ मेरे मोबाइल में है रिकॉर्डिंग, यही साहब ने कहा जहाँ जाना वहाँ चले जाइए। हमने कहा उनसे, जबकि कहा देखिए देश लोकतांत्रिक देश है, ये जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के अधीन होता है और कर्मचारी जो होते हैं वो नेताओं के अधीन होते हैं। आप मत इस बात से मुकरिए, हम नहीं करेंगे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमसे शिकायत करेंगे, हम आपसे शिकायत करेंगे। और उसी से हमारा गौशाला, सुन लीजिए, उसी से हमारा गौशाला कॉन्ट्रैक्ट है। आज 2500-300 जानवर मर जाएंगे अगर ये बिजली विभाग नहीं सुना और ये जो है बिजली नहीं बना, तो उसकी जिम्मेदारी जेई साहब की होगी। मैं काते काते थक गया, न ट्रांसफार्मर और खम्मा वहां लगा गौशाला पे और न इसका बदलाव, जबकि इसकी 2 साल पहले से शिकायत की जा रही कि ये जर्जर है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सर जनता पांडे है। कहाँ घर है? कहाँ? हमारा घर पिड़रा है। अच्छा, आज याद आप लोग दर्जनों संख्या में आए थाने पे, क्या मामला है इसके बारे में? जी, हम लोग थाने पर आए हैं, हमारे गाँव में बिजली बिगड़ गई है, 3 दिन हुआ, 2 पोल और 2 ट्रांसफार्मर गिर गया। जैसा अभी प्रधान जी ने बताया कि सांड के टकराने से पोल हिला और टूट गया, और उसके लिए हम लोग परेशान है कि बिजली किसी तरह से बन जाए। किसी ने गलत सूचना जेई साहब को दे दिया कि किसी के ट्रैक्टर से या कैसे गिर गया है, और जेई साहब आकर के यहाँ सूचना गलत दे दिए। जेई जैसे कह रहे हैं कि उन्हीं के ट्रैक्टर से गिरा है, क्या आप लोगों ने सांड को देखा किस तरह के, कैसे गिरा? सांड थे, सांडों को देखा, पूरे गाँव वाले देखे, सांड को देखा गया कि यहाँ से भाग रहे हैं, सांड दीवार वाले जब गिरा तो वहां से भाग गए सब। जी, लेकिन ट्रैक्टर इनका 5 लाठा कम से कम दूर पर खड़ा था, ये अपना ट्रैक्टर हटाने के लिए वहां से गए। जब उससे आवाज हुआ, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफार्मर जब गिरा तो बड़ी तेज से आवाज हुई सर, तो लोग दौड़े। लाइट अब तक बनी कि नहीं? नहीं बनी सर, 4 दिन हो गया, लाइट वाइट नहीं बनी, सब लोग बहुत त्रस्त है। दूसरी बात यह है कि हमारे बगल में ही गौशाला है सर, गाय मर रही है वहां पर, प्रधान जी बल्टी बल्टी कहाँ तक पानी पिलवाएंगे? इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, यही साहब से आग्रह करेंगे, उसको जितने जल्दी हो सके ठीक करा दें। बिजली विभाग क्या कह रहा है? बिजली विभाग तो बिल्कुल कह रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग जाइए चाहे जैसे बनवाइए, हम लोग कैसे बनवा पाएंगे बताइए, हम लोग लाइन मैन थोड़ी है बनवा लेंगे। क्या नाम भैया आपका? दुर्गा प्रसाद यादव। कहाँ के निवासी? कड़रा गाँव। क्या हुआ आज अपने थाने पे, इतने लोग आए हैं, क्या मामला इसके बताइए? हमारे गाँव में 24 तारीख से लाइट नहीं है, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और जब यहाँ जेई सर और एसडीओ से बात की गई तो वो लोग कह रहे हैं कि गाँव के किसी ट्रैक्टर से टूट गया है, और वो टूटा है, हम लोग वहाँ पे मौके पे थे, जनता भैया के घर कीर्तन हो रहा था, सांडों की लड़ाई द्वारा, सांडों के आपस में लड़ाई के दौरान वो टूट गया, पहले बाउंड्री वाल गिरी, इसके बाद ट्रांसफार्मर गिरा, बगल में और एक ट्रांसफार्मर वो भी गिरा और एक पोल गिरा। तो जेई साहब कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, एसडीओ साहब भी कह रहे हैं, हम लखनऊ है और गौशाला है, वहां पे भी दिक्कत हो रही है पानी के लिए, सब समस्या, और 4 दिन से लाइट नहीं है। कितने ग्रामीणों की संख्या होगी वहां पे? लगभग 50 घर है सर। सब लोग लाइट, बिना लाइट के? सब लोग बिना लाइट के, एकदम अंदर है। बिजली विभाग क्या कह रहे हैं? बिजली विभाग एकदम से लापरवाह, कोई जिम्मेदारी नहीं, कह रहे हैं जो मर्जी हो करिए, रिकॉर्डिंग है प्रधान जी के मोबाइल में, रिकॉर्डिंग है, कह रहे हैं कुछ वसूल के तब देंगे। सीधा इनसे बात हुई, 2-3 लोग बात किए, 4 लोगों का नाम किसी का और बता रहे हैं, किसी का और, जो हमारे गाँव में व्यक्ति ही नहीं, राज उपाध्याय कह रहे हैं उनका फोन आया था, उनका आया था, कह रहे हैं कि हम किसी से वसूलेंगे तभी तो करेंगे। अब बताइए, पैसा वसूलेंगे तो तब? हाँ, किसी से पैसा भरेंगे तभी तो बनाएंगे। अब बताओ, किसी निर्दोष को फंसा के पैसा लिया जाए, उनको ज्यादा कमी तो आवे, हमारे गांव में 50 घर है, 100-100, 500-500 रुपए लगा के दे देंगे, ज्यादा कमी है तो।